अस्सलाम वालेकुम कुशाग्री सभा के जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब एकदम ठीक है। नया ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, आज लग गई फोर्थ, कल आ रही है नाजा खा रहा लोग, उनको जा रहा है लेने आज रात। हम बच के 3 मिनट हो रहा है। कोई सोचेगा सभा को क्या हो गया है, लग रहा है बाहर आने में। शांति, सुकून, पेड़ भी सो रहे हैं, कोई मूवी देख रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई रो रहा होगा। भैया आने का, मैं अंदर ही चलती हूँ, मुझे डर लगने लगा। रो रहा होगा से बात ही होती है कि फ्रेंड्स हर जगह कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होगा। फ्रेंड्स इस दुनिया में पता नहीं रहता कि किसके साथ किस वक्त क्या हो रहा होगा। इसी चीज से ना जब मैं अकेले बैठती हूँ, कभी अच्छा फील होता है, कभी लो फील होता है, तो मैं कुछ लिख लेती हूँ 4-5 लाइन। तो पूरी तो नहीं लिख पाई थी, लेकिन जितनी लिखी थी आपको सुनाती हूँ। इस एक पल में क्या कुछ नहीं हो रहा होगा, इस एक पल में क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। कोई आया होगा अभी अभी इस दुनिया में, तो कहीं किसी के जाने का मातम हो रहा होगा। किसी को मिल रही होंगी सारे जहां की खुशियां, किसी को मिल रही होंगी सारे जहां की खुशियां। तो कोई छुप के अपने तकिए में ससक के रो रहा होगा। कोई वादा निभा के बना रहा होगा किसी को हमेशा के लिए अपना। कोई वादा निभा के बना रहा होगा किसी को हमेशा के लिए अपना। तो कोई धोखा देकर किसी को तन्हा छोड़ रहा होगा। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अभी इतना ही लिखा था, आगे कुछ याद आएगा तो आगे आपसे कंटिन्यू करूंगी। ये लिखने का, ये थॉट का यही मकसद था कि आपको नहीं पता होता कि कौन इंसान किस सिचुएशन से गुजर रहा है। कभी खुशी होती है, कभी हमारे यहाँ गम होता है, कभी कोई चीज हमें कितनी अच्छी लगती है। आप फॉर एग्जाम्पल बारिश देख ले, आप खुश होंगे तो आपको बारिश अच्छी लगेगी, आप नहीं खुश हो रहे तो आपको बारिश में बहुत ज्यादा मातम नजर आता है। हर एक इंसान की सिचुएशन होती है, हर एक इंसान का नजरिया होता है, हर एक इंसान क्या फील कर रहा होता है आपको कुछ नहीं पता। हमें हर एक के साथ ना बहुत नरमी से पेश आना है, किसी को रुलाना नहीं है। सबसे बड़ी बात, किसी को इस हद तक नहीं मजबूर करना कि सामने वाला रोने पे मजबूर हो जाए। सबको अपना अपना हिसाब अल्लाह के यहाँ देना। हम लोग कौन होते हैं किसी को तकलीफ देने वाले। तो बस इसलिए आप, उम्मीद करती हूँ जो कहना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। अम्ब्रेला कार में क्यों नहीं है? खाने की चीज की तलाश में इतने आगे तक गए लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। वो है क्या इधर ट्रेन में? ट्रेन के डब्बे के अंदर ये कैसे हो सकता है? हम लोग यहाँ वेट करते रह गए और ट्रेन यहाँ पे आई है और वो लोग जस्ट सामने रिहान उनको बता रहे हैं यहाँ आओ यहाँ आओ। देखो तो उधर ही थे। देखिए बहने मिल गई। मैं इतनी बारिश, इतना डर लग रहा था, बिजली चमक रही थी और आगे लग रहा था मैं आके सबको हाय कह दूं। हाय, तुम्हें कैसा लग रहा है? वड़ा पाव नहीं मिले? मेरी चप्पल साफ होने में बस। अस्सलाम वालेकुम, आ गई तुम्हारी सहेली। अच्छा हुआ बेटी का चाय बना दी हो कि बाहर कुछ खाने को नहीं मिला बारिश की वजह से। बारिश की वजह से रिहान तड़पता गया, तड़पता आया।